आज हम बात करेंगे मुर्गी के पोटे का ऑपरेशन कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बहरोड इंटीग्रेटेड फार्मिंग चैनल पे आपका स्वागत है। ये आपका अपना चैनल है, इस पे मैं टाइम टू टाइम संयुक्त खेती या प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, मिश्रित खेती, जिस भी नाम से आप बोलें उस नाम से आप बोल सकते हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों के मैं वीडियोज़ डालता रहता हूँ। आज का अपना वीडियो है मुर्गी के पोटा जाम को कैसे खोला जाए। मुर्गियों में बहुत सी बार जो मुर्गी पालक है देखते होंगे कि कुछ मुर्गियां जब लंबे टाइम पे हम रखते हैं उनमें तो ये समस्या आ जाती है कि उनका पोटा जाम हो जाता है, टाइट हो जाता है और वो मुर्गी धीरे धीरे करके डेड हो जाती है, मर जाती है, क्योंकि वो अपने पोटे में जो चीज़ है उसको हजम नहीं कर पाती हैं। अब आप ये मुर्गी देख रहे हैं, ठीक है, ये मुर्गी भी क्या था कि मेरे पास मैं कुछ टाइम से व्यस्त चल रहा था और मैं ध्यान नहीं दे पा रहा, इसका मोटा काफ़ी हो चुका था पोटा मोटा, तो सॉरी लास्ट में मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे इसकी सर्जरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं इसका जो ट्रीटमेंट, जो इनिशियल ट्रीटमेंट होते हैं, पहला ट्रीटमेंट होता है सोडे के साथ होता है, जो मीठा सोडा जो अपने रसोई वगैरह में हम यूज करते हैं, वो मीठा सोडा हम यूज करके गुड़ में उसका कैप्सूल बना के और इसके मुंह में पूरा का पूरा डाल दिया जाता है, उससे अगर पोटा खुल जाता है तो बेस्ट है। उसके अलावा दूसरा है कि हम एक रबड़ की नली लें, जो अपने मोटरसाइकिल वगैरह में जो से टंकी से कार्बोरेटर तक पाइप जाती है, उस टाइप का एक रबड़ की नली ले लीजिए, वो पतली होती है, उससे थोड़ी मोटी साइज़ में लेनी पड़ेगी, उससे डबल साइज़ की लेनी पड़ेगी, और वो इसके पूरे मुँह में डाल के अंदर पोटे तक पहुँचानी है और उसमें हल्का पानी डाल के ऊपर से और फिर पोटे को दबाना है। तो पोटे को दबाने से जो उसके अंदर का जो मटेरियल होगा वो बाहर आ जाएगा, लेकिन कुछ लोगों की एक मानना होता है कि इससे मुर्गी मर जाती है, ठीक है, लेकिन अगर सावधानी से किया जाए तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कई बार क्या होता है कि जो सोडा होता है मीठा सोडा, उससे भी पोटा खुल नहीं पाता है। कई बार क्या होता है कि हम नली डाल के भी उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो नहीं हो पाता है। वो किन कंडीशन में होता है? वो होता है जैसे मान लो दाने से ही जाम है, या वो कुछ चीज़ ऐसी कंकड़ पत्थर हल्के कुछ खा लिए उससे जाम हो गया तो वो खुल जाता है। लेकिन जब आप फ्री रेंज में मुर्गियां रखते हैं, फ्री रेंज में मुर्गियां जैसे बारिश के मौसम में घास बड़ी बड़ी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि फ्री रेंज की मुर्गियां बड़ी बड़ी घास की पत्तियां वगैरह खा जाती हैं, जैसा कि अभी मैंने पीछे फ़ोटो में आपको दिखाया है कि मेरी इस मुर्गी ने बड़ी बड़ी घास की पत्तियां खा ली थी और उससे वो पोटा पूरी तरह से जाम हो गया था और दोनों ही तरीके से वो नहीं निकल सकती थी, वो पत्तियां उस नली में से भी नहीं निकलेंगी और मीठे सोडे से भी नहीं निकलेंगी। तो लास्ट में मुझे इसकी सर्जरी करनी पड़ी है, जैसा कि मैंने पीछे फ़ोटो में दिखाया आपको कि सर्जरी करके उसका पोटा कैसे निकाल रहा था मैं। अब सर्जरी का जो कट मारा जाता है वो छोटा, आप 1 इंच का कट मार सकते हैं, लेकिन अगर पोटे में कुछ ऐसी चीज़ फंसी हुई है तो आपको हो सकता है 2 इंच का भी कट मारना पड़े। ब्लेड से आपको उसके लिए सामान की ज़रूरत पड़ती है, एक ब्लेड आपको, नई ब्लेड साफ़ सुथरी, और सुई और धागा आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लेड से कट मार के आप पोटे के अंदर की सारी चीज़ निकाल दीजिए, जो भी है उसके अनवांटेड चीज़ डली हुई है और वो हजम नहीं हो रही है वो निकाल दीजिए। जैसे कि ये देख रहे हैं आप फ़ोटो में कि ये निकालते हुए आप देख पा रहे हैं कि कैसे उसके अंदर पूरा घास का जाम हो रहा था, पूरी तरह से जो हरी घास खा खा के इसने वो पूरा अपना पोटा जाम कर लिया था, उन सब को निकाल दिया। और उसके बाद क्या है कि उसकी दोबारा से उसके टाँके लगाने हैं। टाँके लगाते टाइम ये सावधानी बरतनी है कि जब हम पोटे के कट मारते हैं, सर्जरी करते हैं, तो उसमें 2 स्किन होती हैं, एक बाहरी स्किन होती है और एक अंदरूनी पोटे की स्किन होती है। तो सिलाई करते टाइम आपको ध्यान रखना है, टाँका लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि पोटे का टाँका अलग से लगाना है, उसके बाद ऊपरी जो स्किन होती है उसका टाँका लगाना है, दोनों को एक साथ नहीं लगाना है और
जो स्किन जहाँ है वहीं उसको प्रॉपर वे में पकड़कर उसके टाँका लगाना है। और ये बहुत बड़ा भी काम नहीं है, आप फ्रेशर हैं तो भी कर सकते हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप करते ही होंगे। तो फ्रेशर अगर हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे खुद इस चीज़ में मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैंने इसको पकड़ रखा है प्रॉपर, इसकी स्किन को जहाँ की स्किन है वहीं पकड़ रखा है, ठीक है। और यहाँ तक कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरी बच्ची जो है, मेरी बेटी जो है, वो इसके टाँका लगा रही है। यानी कि इतना बड़ा काम नहीं है कि आप इसमें घबराएँ। हाँ, बस कुछ सावधानियाँ रखनी है कि दोनों स्किन का अलग अलग टाँका लगाना है, सभी जो आपकी सुई और धागा और जो ब्लेड वगैरह है उसको सैनिटाइज करना है। एक तरह से उसको बीटाडीन वगैरह में भी डाल सकते हैं, मैं किसी कंपनी का मेडिसिन वगैरह का तो नाम नहीं लूँगा, आपको जो भी लगे उसको सैनिटाइज करने के लिए बढ़िया चीज़ गर्म पानी में भी उनको डाल के और फिर कर सकते हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले। तो इस तरह से उसको आपको टाँका लगाना है। टाँका लगाने के बाद इसके ऊपर आपको घाव की कोई भी मेडिसिन, जो बढ़िया क्वालिटी की मेडिसिन हो, आप मेडिकल स्टोर से जाके ले सकते हैं कि भाई टाँका लगाने के बाद ह्यूमन बॉडी पे भी किस चीज़ की हम दवाई वो यूज़ करते हैं, वो कोई भी आप दवा लगा सकते हैं। उस दवा को लगा के आप इसको सेपरेट रखिए, किसी और मुर्गियों के साथ मत रखिए, अलग से कोई जाली वगैरह में या कोई अलग से केबिन बना रखा हो उसमें इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो दूसरी जो मुर्गियां हैं उसको नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर कच्चे जो टांके लगे हुए हैं उन्हीं में दूसरी मुर्गियों को दिखाई दे गए हल्का फुल्का भी, तो वो दूसरी मुर्गियां वहां चोंच मार मार के उसको मार देंगी, ठीक है। उसको आप अलग रखिए, 5 से 6 दिन तक अलग रखिए, जब वो प्रॉपर उसका घाव भर जाए फिर आप उनको साथ में छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए, अब दोनों टांके लगने के बाद इस तरह से मेडिसिन लगा दी गई है, घाव की दवा लगा दी गई है। अब इसको मैं सेपरेट उसमें जाली में बिठा दूंगा, और ये वीडियो के बाद मैं इसी वीडियो में अगला पार्ट बना रहा हूँ 2 दिन बाद का, ठीक है। ये देखिए, ये मुर्गी जो है अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है, ये मेरे बच्चे ने इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। आप देखिए, ये 3 दिन बाद की वीडियो, यानी 4th दिन की वीडियो है, जिसमें घाव भी भर चुका है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और मुर्गी पूरी तरह से स्वस्थ है। तो आप इस तरह से अपनी मुर्गी को बचा सकते हैं। आपको 1% डर भी लगता है कि मर जाएगी मुर्गी, तो मुर्गी तो वैसे भी मरनी है, अगर आप उसका नहीं करेंगे तो मरनी है। तो आप ये चीज़ करके देखिए। धन्यवाद दोस्तों।